वायरस, एक ऐसा डेडली एपिडेमिक जिसने इतने सारे लोगों को मार दिया, ऐसा एपिडेमिक जिसकी वेव्स आते आते ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, और अब थर्ड वेव आने की बात हो रही है। तो ऐसे कब तक चलेगा? इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे 10 फैक्ट्स दूंगा कि आप भी ये यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोरोना वायरस एक नेचुरल एपिडेमिक नहीं है, बल्कि एक मैन मेड डिज़ास्टर है। मैं उसी कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ जिसने इस टाइम तक 39,71,671 लोगों की जान ले ली है। तो क्या ये पैंडेमिक, ये एपिडेमिक सिर्फ बाकी की दुनिया के लिए बना है और चाइना के लिए नहीं बना? वहाँ पे कोई सेकेंड फेज़ नहीं आई, वहाँ पे कोई थर्ड फेज़ नहीं आई? यही चीज़ मुझे डाउट में डालती है कि ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है, लाइक ये एक लैब लीक है। तो इस टाइम है हमारे पास 3 थ्योरीज। एक है हमारी नेचुरल अकरेंस थ्योरी, दूसरी है हमारी लैब लीक थ्योरी, और तीसरी है हमारी बायोकेमिकल वेपन थ्योरी। बायोकेमिकल वेपन, मैं इस पॉइंट पे कैसे आता हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 की हाँ जी शुरुआत हो चुकी है, लाइक वर्ल्ड वॉर 3 हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। लेकिन इसके बारे में, वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में कोई ओपनली बोल नहीं रहा है, कोई मीडिया इसके बारे में बोल नहीं रही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो सोशल मीडिया पे भी जो भी बंदे बोल रहे हैं कि ये लैब लीक था, ये कुछ था, उन सब की पोस्ट को उड़ा दिया गया है। और रिसेंटली ही यूट्यूब पे, फेसबुक पे उसे अलाउ करा है कि लैब लीक जैसी कोई थ्योरी है। तो अगर लैब लीक जैसी कोई थ्योरी है तो वाई नॉट अ बायोकेमिकल वेपन? तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये नेचुरल अकरेंस थ्योरी क्यों नहीं है? लेकिन नेचुरल अकरेंस थ्योरी में हमेशा एक इंटरमीडिएटरी एनिमल होता है। माना जाता है कि जिस तरीके से कोरोना शुरू हुआ था उस टाइम एक बैट से उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बैट से वो ह्यूमंस में डायरेक्टली पहुंच गया। एक इंटरमीडिएटरी एनिमल कहाँ है? कहाँ है वो इंटरमीडिएटरी एनिमल जिसके बारे में अब तक किसी को नहीं पता? तो वो इंटरमीडिएटरी एनिमल के बारे में अब तक किसी ने कुछ नहीं बताया है, और वो इंटरमीडिएटरी एनिमल होना बहुत ज़रूरी है नेचुरल अकरेंस की थ्योरी को प्रूव करने के लिए। लाइक अगर हम बात करते हैं सार्स की, तो उसके अंदर हमारा एक इंटरमीडिएटरी एनिमल था। फिर हम बात करते हैं मर्स की, तो उसमें भी हमारा एक इंटरमीडिएटरी एनिमल था। सार्स में जो इंटरमीडिएटरी एनिमल था उसे ढूंढने में लग गए 4 महीने, जो मर्स में इंटरमीडिएटरी एनिमल को ढूंढने में लग गए 9 महीने। लेकिन कोरोना, कोविड, उसके अंदर हमें अब तक इंटरमीडिएटरी एनिमल नहीं मिला है, जबकि करीब करीब 16 महीने हो चुके हैं। तो इवन आफ्टर 16 मंथ्स हमें अगर इंटरमीडिएटरी एनिमल नहीं मिला है, तो हम किस तरीके से मान लें कि ये नेचुरल अकरेंस थ्योरी है? चाइना में इसके बारे में रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक ये डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं वो कि कौन सा एक इंटरमीडिएटरी एनिमल था जिसकी वजह से कोविड फैलना चालू हुआ है। बल्कि उसके बाद हम एक और बात कर लें, कोरोना के बाद से वहाँ पे एक और नया चाइना में बर्ड फ्लू आ चुका है, और ये बर्ड फ्लू अभी ही June 1 की न्यूज़ है, उसके अंदर बताया गया कि ऐसे करके एक बर्ड फ्लू आ रहा है। तो गाइस, क्या हम अब पैंडमिक्स में ही जीते रहेंगे? लाइक क्या आने वाले टाइम में हम बिना मास्क के बाहर ही नहीं निकल सकते? कोरोना का कोई एंड नहीं होगा और उसके बाद एक के बाद एक और बीमारी आती रहेगी? अगर ऐसा होता रहा तो हम आखिर इस दुनिया में करेंगे क्या? लाइक हर जगह तो वायरस ही वायरस है, हर जगह तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स हैं। गेन ऑफ फंक्शन क्या है? गेन ऑफ फंक्शन में हम जो लैब के अंदर ही हमारे पास वायरस होता है, हम उस वायरस को रिप्लिकेट करते हैं, और उसके अगर वो नेचुरली अकरन करता है तो वो किस तरीके से ग्रो करेगा, तो हम उसको रिप्लिकेट करते हुए वो जानते हैं वो किस तरीके से बढ़ेगा। तो वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, वो चीज़ की जो टेस्टिंग है वो होती है। तो गेन ऑफ फंक्शन के बारे में जब पता चला था वर्ल्ड को, तो इट कैन बी डेंजरस। लाइक अगर वो गलती से लीक हो जाता है, या फिर उसके अंदर कोई उसको अपने पर्सनल यूजेस के लिए यूज़ कर लेता है, तो वो बाकी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता होगा कि वो किस तरीके से, वो डेवलप तो हो गया लेकिन अब तक उसकी दवाई नहीं बनी है। ये वुहान के वेट मार्केट से निकला है, या फिर ये वुहान के वायरोलॉजी लैब से निकला है? तो इस थ्योरी को रिलेट करने के लिए अब हम बैक जाते हैं 2012 में। 2012 में कुछ माइनर्स थे जो इफेक्ट हुए थे कोरोना वायरस के सबसे पहले स्ट्रेन से। तो बैट के मल को साफ करने के लिए कुछ वर्कर्स गए थे, और वो वर्कर्स कुछ बीमार होने लगे। वो बीमार होने के बाद उनकी चेकिंग हुई सार्स के थ्रू, मर्स के थ्रू, लेकिन वो नेगेटिव आए। और वो नेगेटिव आने के बाद भी उनको थोड़ा लंग्स की प्रॉब्लम आने लगी, उन्हें रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने लग गए। तो उसके बाद से हमारी शुरुआत हुई थी RATG13 कोरोना वायरस। 2012 में इस कोरोना वायरस की पहले जान पहचान हुई थी। 2018 में जो ये बीटा कोरोना वायरस था, इसकी स्टडी हो चुकी थी, कंप्लीट स्टडी हो चुका था, इसका सीक्वेंस कंप्लीट हो गया था।
तो जो हमारा कोविड 19 है वो उससे 96% मैच करता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक घंटी बजाती होगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर इस टाइप की चीज़ें कैसे आ रही हैं, ये ऐसा क्या हो गया कि ये चीज़ को चाइना के पीछे कोई नहीं पूछ रहा है। क्या कोरोना वायरस एक बायोटेक्निकल वेपन था जिसको जेनेटिकली म्यूटेट करने के लिए बना दिया गया है और उसके स्ट्रेन आए जा रहे हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं? क्या हमें घर पे ही रहना पड़ेगा आने वाले सालों में? तो हमारी स्टार्टिंग में जब बात होती है WHO की, तो WHO ने हमें बताया है कि ये जो ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है। स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है बेस्ड ऑन द रिसर्च डन बाय चाइना, जबकि ताइवान ये बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट कर रहा है। तो बेसिकली चाइना ने ऐसा क्यों बोला? वहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेन के बाद सेकंड स्ट्रेन क्यों नहीं आया? वहाँ पे थर्ड स्ट्रेन क्यों नहीं आया? वहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? क्या लोगों के वहाँ पे ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी थी, या यहाँ पे उनकी इम्यूनिटी इतनी हाई थी कि वो वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ? जब चाइना के खिलाफ रिसर्च होने लगी, चाइना के बारे में पता करने लगे कि ये ऐसा कैसे फैला, और वो रिसर्च के थ्रू हम जान सकते थे कि किस तरीके से कोविड को रोका जा सकता है, तब चाइना ने हेल्प क्यों नहीं की? चाइना ने डिनाई क्यों करा, और चाइना ने ऐसा क्यों बोला कि ये चीज़ हमारी गलती नहीं है? जब चाइना के डॉक्टर्स उठ के आए और उन्होंने बोला कि नहीं, ये कहीं ना कहीं पे चाइना की लैब्स में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो उनको किस तरीके से मार दिया गया, उनको किस तरीके से छुपा दिया गया? ली वेन लियांग करके एक डॉक्टर थे चाइना के, और उन्होंने बोला कि इस तरीके से एक डिजीज़ हो रहा है, इस तरीके से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है चाइना में। और वो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और उसके बाद उनकी कोविड से ही डेथ हो जाती है। क्या ये एक कोइंसिडेंस है, या ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ये कुछ प्रॉब्लमैटिक है? डॉक्टर मी लेंग यांग को और उनकी मदर को चाइना से निकाल दिया गया, और वो अब जाके US में रह रही हैं, क्योंकि उन्होंने कोविड के बारे में चाइना के खिलाफ बोला। उन्होंने बोला कि ये कुछ ना कुछ गलत है, उन्होंने बोला कि जो लैब लीक थ्योरी के बारे में लोग बात कर रहे हैं वो सही हैं, और बाकी जो लोग उसे ठुकरा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर झूठ बोल रहे हैं। तो उनको वहां से निकाला क्यों गया? अगर वो वहां पे सही थी तो उनको उनके देश से निकाला क्यों गया? गाइस, इट्स हाई टाइम गाइस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।